2022 और आज के दिन हमारे जीवटेगरी में रथ यात्रा का जो आयोजन किया जा रहा है, और हालांकि पूरी में सबसे बड़ा आयोजन होता है और वर्ल्ड फेमस है वो, और हमारे उदयगिरी का भी काफ़ी हद तक जो है लोग बहुत ही अच्छे से करते हैं। और अपने वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही दिखाने की कोशिश करूँगा। आई होप कि आपको जो मेरी वीडियो वो पसंद आए, और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही पहला आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इन फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करो अपने चैनल पर तो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा जानकारी मिल पाए। और दोस्तों साथ ही आपको जानकारी देना चाहूँगा, यूट्यूब की तरफ से थैंक्स जो एप्लीकेशन माफी है थैंक्स का जो ऑप्शन दिया गया है, जिसके माध्यम से आप हम जैसे यूट्यूबर्स को जो है फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हैं, और साथ ही अपने जो क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। अगर आप चाहें तो मुझे फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हैं ये थैंक्स ऑप्शन के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, हमारे उदयगिरी का रथ यात्रा। Thank you.
पूजा अर्चना के बाद स्थापित किया जाए। Thank you.
दिखाना चाहूँगा वो रथ, उनका ये रथ है जहाँ पे बलभद्र जी को रखा जाएगा, वो अपनी माफी भी कर जाएंगे, गुंडीचा मंदिर माफ कीजिएगा रथ दर्शन कुछ गलत हो तो।
ये छोटा सा रथ बच्चों का बनाया गया है, बच्चों द्वारा बनाया गया वास्तव में। बच्चों द्वारा बनाया गया बहुत ही खूबसूरत रथ, देख सकते हैं बच्चों द्वारा बनाया गया ये रथ। Thank you.
झाड़ू का काम जो उन्होंने जान लगाने का काम था वो खत्म हो चुका है। अब
लोग यहाँ प्रसाद चढ़ा रहे हैं, उसके बाद रथ यात्रा लगभग शुरू होने वाला है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रसाद के चढ़ाने का जो काम चल रहा है। प्रसाद है वो जा रहा है मंदिर की तरफ और दोस्तों आप देख सकते हैं जो रथ यात्रा लगभग चालू हो चुका है और जिस तरह से भीड़ है इस साइड पास गया तो चोट लग सकती है, तो कोशिश करूंगा दूर से आपको क्लियर दिखाने की। आप देख सकते हैं बलभद्र जी का जो पहला जो है रथ वो निकल रहा है। और जिस तरह से धक्का मुक्की हो रहा है पास जाना ठीक नहीं होगा। दोस्तों आप लोग को बताना चाहूंगा ये जो रथ यात्रा है कुछ देर के लिए रुका है, यहाँ पे पूजा अर्चना की जा रही है। अभी ये जो रथ यात्रा वो सीधा गुंडीचा टेम्पल जो है गुंडीचा मंदिर वहाँ पे जाकर रुकी, जो जगन्नाथ जी की मौसी का जो घर है। तो अब देख सकते हैं ये रथ यात्रा जो है, ये पहला जो रथ है बलभद्र जी का है और ये सीधा गुंडीचा मंदिर वहाँ जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों जो रथ यात्रा जो है धीरे धीरे जो है गुंडीचा मंदिर जो है मां जगन्नाथ जी के जो मौसी का घर है वहां जा रहा है और आप देख सकते हैं भीड़ का जोश।
दोस्तों अब जो रथ है वो बरालिन साई के पास आके रुक गया है और अभी इसके पीछे जो है सुभद्रा जी का जो है वो रथ लेके आएंगे। वो रथ आधा जब पहुंचेगा तो ये रथ आगे आगे जो है बढ़ेगा। तो चलिए चलते हैं सुभद्रा जी के पास, वहाँ पे वो जो रथ जो यात्रा जो स्टार्ट होने वाला है तो आपको वहाँ पहुँचाता हूँ और वहाँ दिखाता हूँ वहाँ से। चलो दोस्तों आप देख सकते हैं सुभद्रा जी का जो है रथ वो अपने यहाँ से निकल चुका है और भीड़ के पास जाने से थोड़ा डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की हो रहा है। तो देख सकते हैं सुभद्रा जी का जो है रथ निकल चुका है और देख सकते हैं जिस तरह से तो लोग दौड़ते हुए आ रहे हैं, थोड़ा डर लग रहा है। पास हो चुका है रिस्क लेकर के, पता नहीं मुझे जिस तरह से भागा दौड़ी हो रही है थोड़ा डर लग रहा है। देख सकते हैं आप और लोगों में जोश आपको बयां नहीं कर सकता, रथ खींचने के लिए कितने खुशी से उत्साहित है। अभी जो है रथ लगभग जगन्नाथ मंदिर के पास पहुंच चुका है, देख सकते हैं यहाँ से जो है क्रॉस करके जाएगा, जगन्नाथ मंदिर है और शाम हो चुका है। दोस्तों जगन्नाथ मंदिर के पास पहुंच चुका है ये सुभद्रा जी का जो रथ और देख सकते हैं लोगों का उत्साह। हालांकि पुलिस प्रशासन काफ़ी मेहनत कर रही है और उनको एक्साइट करने के लिए, बट यहां पे जो है मानने को कोई तैयार नहीं है और एक लाइन से जाने के लिए बोल रहे हैं बट कोई लोग मान रही है, बीच में घुसे जा रहे हैं। देख सकते हैं आप धक्का मुक्की करते हुए लोग जा रहे हैं। दोस्तों जो सुभद्रा जी का जो रथ है वो अभी यहाँ पे रोक दिया गया है और अब जो आएगा जो भगवान जगन्नाथ का जो है जो वो रथ लेके आएंगे और फिलहाल तो ये रथ यहाँ पे रोक दिया है सुभद्रा जी का। और आपको बताना चाहूँगा जो हमारा सबसे पहले जो बलभद्र जी का जो रथ था अब वो निकल चुका है और वो गुंडीचा जो मंदिर है वहाँ पर पहुँच जाएगा। तो अभी सब लोग गए हैं जगन्नाथ टेम्पल के पास जगन्नाथ जी को लेने के लिए। माफी चाहूंगा मेरी आवाज और वीडियो और क्लियर नहीं आ रहा कि यहाँ पे लाइट की बहुत तंगी, यहाँ पे लाइट की व्यवस्था टोटल नहीं है और काफी देर हो चुका है। तो चलिए जगन्नाथ जो रथ है वहाँ पे चलते हैं। दोस्तों लगभग शाम के 7 बज चुके हैं और भीड़ बहुत ज्यादा हो चुकी है और जगन्नाथ जी का जो रथ है अभी तक जो है माफ कीजिए अभी निकल चुका है। जो भीड़ है यार क्या कर रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं जो जगन्नाथ जी का जो रथ है और जिस तरह से भीड़ है और मैनेज करने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है यार इनको और ये सुनने को तैयार नहीं है। और
और इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट की तरफ से लाइट काट दिया गया, इस वजह से यहाँ पे जो है लाइट की व्यवस्था भी नहीं है क्योंकि सिक्योरिटी रीजन से। और देख सकते हैं पीछे बादल गरज रहे हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है देख के। रथ है तीनों के तीनों जो है लग चुके हैं और वापस से जो है पहले रथ जो है बलभद्र जी उनके पास आ चुकी है पब्लिक, अब ये रथ को लेके जाएंगे और यहाँ से जो है रथ यात्रा जो है वापस से स्टार्ट होगी। तो बने ये वीडियो में दोस्तों, आप देख सकते हैं बलभद्र जी का जो रथ है वो स्टार्ट हो चुका है और पब्लिक काफी जोश में है। दोस्तों मैं अभी जो गुंडीचा जो मंदिर वहाँ पहुँच चुका और बलभद्र जी जो हैं वो भी पहुँच चुके हैं लगभग यहाँ पे, और यहाँ पे जो है माफ़ कीजिए ये जगन्नाथ जी सुभद्रा जी और बलभद्र जी जो यहीं पे रहेंगे और एटलीस्ट 7 दिनों तो माफ़ कीजिए 9 दिन के लिए यहाँ पे रहेंगे और इस बीच उनका जो पूजा अर्चना यहाँ पर की जाएगी। और देख सकते हैं रथ लगभग आधे रास्ते तक पहुँच चुका है और वहाँ पर जो है प्रसाद जो है वो चढ़ाया जा रहा है और जब वहाँ पे यहाँ पे पहुँच जाएगा तो मैं आपको बाकी की चीज़ दिखा दूँगा। दोस्तों आप देख सकते हैं ये सुभद्रा जी का जो है रथ वो आ रहा है और नियम के अनुसार जो सुभद्रा जी का जो है रथ है सिर्फ लेडीज खींचेंगी, तो देख सकते हैं लेडीज जो आ रहा। दे सकते हैं जे, आप दे सकते हैं चल लेडीज, आप देख सकते हैं ये जो है लेडीज जो है वो खींच रहे हैं रथ को। दोस्तों आप देख सकते हैं सुभद्रा जी का जो रथ है और देख सकते हैं दोस्तों आप देख सकते हैं मैं अभी बीचों बीच हूँ, यहाँ पे जो है दोनों तरफ जो है रथ को जो है खींच रहे हैं भक्त। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा रथ जो है लगभग पहुंच चुका है और आप मेरे सामने देख सकते हैं ये जो जगन्नाथ जी को और उनका ये रथ है। और अभी आप रथ यात्रा का जो लोगों द्वारा खींचने का जो प्रक्रिया वो लगभग खत्म हो चुका है, अभी यहाँ पे जो है इसको आराम से जो है बाकी जो रथ है उसके साथ लगाया जाएगा। आपको दिखाना चाहूँगा ये रहा बलभद्र जी है, बलभद्र और ये सुभद्रा जी साथ में लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और आपको दिखाना चाहूँगा ये है गुंडीचा मंदिर, यहीं पे जो है
भगवान जी यहाँ पे विराजमान होंगे 9 दिन के लिए। और देख सकते हैं अंदर जो उनके विराजमान होने के लिए जो है आसन जो है बनाया गया है। और ये गुंडीचा मंदिर जो कि भगवान जगन्नाथ जी की मौसी का घर है, तो यहीं पे 9 दिन रहेंगे। आप देख सकते हैं बलभद्र जी। दोस्तों आप देख सकते हैं अभी जो मेरे पीछे जो भगवान जगन्नाथ है, यहाँ पे सुभद्रा जी हैं और साथ ही बलभद्र जी हैं, तो इनका जो आरती का कार्यक्रम यहाँ पे जो चल रहा है। और आपको बताना चाहूँगा, देख सकते हैं, और रात काफ़ी हो चुकी है जिसके वजह से जो है आज के दिन जो है भगवान जी जो है अपने मौसी घर पे नहीं जा पाएंगे, तो इस वजह से जो है कल मॉर्निंग 6:30 बजे के आसपास जो है उन्हें जो है मंदिर में प्रवेश किया कराया जाएगा। तो बाकी का चीज़ जो है मैं कल 6:30 बजे के बाद आपको दिखाऊंगा। अभी तो फिलहाल अपना वीडियो यहीं एंड करता हूँ। आई होप कि आज तक की जो वीडियो मुझे आपको पसंद आई होगी। अगर आप लोग को पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर कीजिएगा, और साथ ही थैंक्स ऑप्शन के द्वारा जो आप अपने जो है फाइनेंशियल जो है हमें हेल्प कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा आज का। तो चलिए कल मिलते हैं और देखते हैं कल का जो कार्यक्रम क्या क्या होता है। वेलकम बैक दोस्तों, आज है 2 जुलाई 2022। और जैसे कि मैंने कल रात को भी बताया था कि जो रथ यात्रा से जो भगवान जी है वो जो मंदिर के अंदर नहीं जा पाए, तो आज जो है भगवान जी को जो है गुंडीचा जो मंदिर है वहाँ पे अंदर लेके जाएंगे। और अभी उसी का जो कार्यक्रम जो है चल रहा है, तो आप देख सकते हैं बलभद्र जी वो जा चुके हैं अंदर, और अभी जो है सुभद्रा जी को लेके जाएंगे। तो देख सकते हैं अंदर जो है रथ के अंदर गए हुए हैं और सुभद्रा जी को जो है यहाँ से जो मंदिर है उसके अंदर लेके जा रही है, जो प्रक्रिया की जा रही है। दोस्तों अभी आपने देखा जो सुभद्रा जी हैं वो गुंडीचा मंदिर के अंदर जा चुके हैं और कपाट जो है बंद कर दिया गया है, और अभी उनका वेशभूषा जो है चेंज किया जाएगा और आरती दिया जाएगा उनको। तो और इसके बाद जो है वो हमारे जो जगन्नाथ जी हैं उन्हें भी लेके आ जाएगा, और बिल्कुल उसी प्रकार इनका भी जो आरती और वेशभूषा जो है चेंज किया जाएगा। तो वीडियो में बने रहिए, मैं आपको दिखा देता हूँ आगे क्या क्या किया जाएगा। Thank you.
दर्शन तो दोस्तों, इससे पहले आपको माफी चाहूँ, गलत बताया मैंने, कृष्ण और बलराम गए थे, अभी जो जा रहे हैं मदन मोहन, जो कृष्ण का एक और नाम है, वो है, वो जा रहे हैं। मदन मोहन जो है जा रहे हैं रथ से निकल करके मंदिर की तरफ। आपको बताना चाहूँगा, जो रथ से जो भगवान जगन्नाथ और सुभद्रा जी और बलभद्र जो है वो अंदर जा चुके हैं, और आपको जानकारी देना चाहूँगा, जो 10 दिन जो है, माफ़ कीजिए, अभी 9 दिन यहाँ पर रहेंगे, पर 9 दिन कंटिन्यू जो है उनका, जो अलग अलग जो अवतार उन्होंने लिया था 10 अवतार, तो वो अवतार के अकॉर्डिंग उनको जो है यहाँ पे भेष जो है चेंज किया जाएगा, और ये प्रतिदिन जो है वेशभूषा उनका जो है चेंज किया जाएगा, और आखिरी दिन जब वो वापस अपने मंदिर की तरफ जाएंगे, जो जगन्नाथ मंदिर की तरफ, तो उनका जो आखिरी जो अवतार है उस रूप में वो जाएंगे। तो आई होप कि आपको जो मेरे वीडियो है पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूँ अपने चैनल पर तो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा जानकारी मिल पाए। और आपको जानकारी देना चाहूँगा, यूट्यूब में एक बहुत ही हम जैसे यूट्यूबर्स के लिए जो फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए एक ऑप्शन दिया गया है थैंक्स का, अगर आप उस ऑप्शन का यूज़ करते हैं तो उसके द्वारा आप मुझे डोनेट कर सकते हैं। अगर आप मुझे फाइनेंशियल हेल्प करना चाहें तो थैंक्स ऐप माफी थैंक्स जो ऑप्शन है उसके माध्यम से आप डोनेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको किसी अन्य खूबसूरत वीडियो पर, और स्टे ट्यून, बी हैप्पी एंड मेक हैप्पी, बाय।